रोमा, टीना, मीनू और ऋतु चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं एक ही साथ एक घर में रहती हैं। चारों की सास सुशीला जी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला है, लेकिन अपने चारों बेटों की शादी के बाद सुशीला का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि चारों बहुओं का प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन सुशीला के घर उसकी बहन आई। सुशीला, तू तो बहुत खुशकिस्मत है, तेरी चारों बहुएं तो बहुत सुंदर हैं और तेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं। तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती होगी। अरे कहाँ दीदी, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात संभाल लेती हूँ। ये बात तो सच है सुशीला, दुनिया सोचती है कि बहुएं आ जाने से घर में खुशी आ जाती है, लेकिन ये भी सच है कि घर में बहुएं आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बातें कर रही ही थी तभी अचानक रोमा और मीनू की लड़ने की आवाज आई। रोमा, मैंने एक बार पोछा लगा दिया है तो मैं दोबारा नहीं लगाऊंगी। मीनू, दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। रोमा, तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है कि लग ही नहीं रहा है कि घर की सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह से लड़ाई देखकर सुशीला की बहन घबरा गई और सुशीला को समझाने लगी, तेरी बहुएं काम कम करती हैं और लड़ती ज्यादा हैं। सुशीला, तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। ये कहकर सुशीला की बहन वहां से चली गई। अब सुशीला दिन रात यही सोचती रहती कि इन बहुओं का आपस प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए सुशीला ने अपनी सारी बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, तुम चारों लोग दिन भर आपस में लड़ती रहती हो, इससे न तो घर चल सकता है न तो जिंदगी। इसलिए आज तुम सब ये बता दो कि चाहती क्या हो। रोमा, माँ जी आप हमें अलग अलग घर दे दो, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों को अलग अलग घर बना कर दूं। मीनू, माँ जी ये घर भी तो बहुत बड़ा है, आप इस पर चार मंजिल बनवा दो और हम चारों को दे दो। तब सुशीला ने कहा, मैंने अपने चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटे अलग अलग रहें और मेरा क्या, मैं तुम चारों में से किसके पास रहूंगी। सुशीला की ये बातें सुनकर चारों बहुएं चुप हो गई। चारों में से कोई भी सुशीला को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। सुशीला ने अपनी बहुओं को एक टक देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटे भी दे दिए और अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये कहते हुए सुशीला की आंखें भर आई और उन्होंने उन चारों बहुओं के काम बांट दिए और उन सबको कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा। लेकिन उनकी बहुएं कहां मानने वाली थी। अब चारों बहुओं ने एक एक टीम बना ली। एक टीम में रोमा और मीनू थी और दूसरी टीम में ऋतु और टीना थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगी थी। एक दिन टीना और ऋतु ने अपनी सास से कहा, माँ जी आपको पता है रोमा 12 बजे से सो रही है, आज तो उसने सिर्फ घर की झाड़ू ही लगाई है और पोछा भी नहीं लगाया। फिर ऋतु ने कहा, हाँ माँ जी आपने लड़ने के लिए मना किया है, इसलिए मैं मीनू से कुछ नहीं कहती। वह आज ही बाजार जाकर अपने लिए 3-3 साड़ियाँ लाई है, अपने लिए 3 साड़ियाँ लाई है और आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई। ऋतु और टीना तो अपनी सास से चुगली करके चली गई। अब मीनू और रोमा की बारी थी। मीनू, माँ जी आपने ऋतु को तो सर पर चढ़ा रखा है, वो हमेशा रोटियां जला देती है और आपके बेटे भी बोल रहे थे कि ऋतु की हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। इसके बाद रोमा ने कहा, और माँ जी कल टीना ने सबके कपड़े धोए पर मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ ना, मैं किसी दिन उसके लिए खाना ना बनाऊं तो उसे कैसा लगेगा। सुशीला सारी बहुओं की बातें सुनती और सर पकड़कर बैठ जाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देंगी तो चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके पति काम से आते वैसे ही चारों बहुएं चुगली करने में लग जाती। एक दिन जब उनके पति घर आए तो रोमा बोली, सुनो जी मैं इस घर में नहीं रह सकती, मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ और फिर भी आपकी माँ और आपकी भाभियों के ताने सुनती हूँ। इस पर रोमा के पति ने कहा, मैं भी रोज रोज की लड़ाइयों से दुखी हो चुका हूँ, आज तो फैसला हो ही जाए। उधर मीनू भी अपने पति से कहती है, मीनू सुनिए जी हम कब तक आपके घर वालों के साथ पिसते रहेंगे, बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके भी भविष्य के बारे में सोचना है। आप तो सारे घर का खर्चा चलाते हो और मैं घर के काम में लगी हुई रहती हूँ। माँ जी से बोलिए ना इस घर को तोड़वा कर फ्लैट बनवा दे, हम आराम से रहेंगे। तभी मीनू के पति ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, आज माँ से इस बारे में बात कर ही लेता हूँ, आखिर हमारी भी तो पर्सनल लाइफ है। सुशीला के बेटे उससे बात करने के लिए आए और पीछे पीछे बहुएं भी आ गईं। माँ, माँ कहाँ हो आप, बाहर आओ तो। सुशीला कमरे से बाहर आती है। माँ आप घर को तुड़वा कर फ्लैट बनवा दो ना, सब साथ में नहीं रह सकते। तभी दूसरे बेटे ने कहा, हाँ माँ हम सबको एक एक रूम मिला हुआ है।
हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी अपना रूम अलग से चाहिए ना। और जो आपकी बहुओं में 24 घंटे लड़ाई होती रहती है वो भी नहीं होगी, अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। तब माँ ने कहा, अच्छा तुम्हारी पत्नियाँ ये घर तुड़वाने के लिए मुझे नहीं मना पाई तो मेरे बेटों को ही भड़का दिया। मैं इस घर को टूटने नहीं देना चाहती। इस घर में तुम्हारे पिता की यादें हैं, तुम्हारा बचपन बीता है और तुम चारों अपनी पत्नियों को समझाने के बजाय मुझसे ये घर तोड़ने के लिए बोल रहे हो। सुशीला ने अपने बेटे और बहुओं को बहुत समझाया लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ और मजबूरी में सुशीला को अपना घर तुड़वाना ही पड़ा। जैसे जैसे हथौड़ा घर की दीवारों पर चोट कर रहा था, सुशीला को वो चोट अपने दिल पर महसूस हो रही थी। अब कुछ दिन बाद उस घर की जगह एक आलीशान बिल्डिंग खड़ी थी। सुशीला ने अपने चारों बेटों और बहुओं को बुलाया और कहा, तुम चारों के फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं, अब तुम सब आराम से रह सकते हो। तुम अपने अपने परिवार के साथ खुश रहोगे लेकिन मेरा परिवार तो तुम सब हो। तुम्हें अलग अलग जाता देख मुझे कितना दुख हो रहा है, कैसे बताऊं। तभी उसके एक बेटे ने कहा, माँ आप कहाँ रहेंगी, मतलब हम में से किसके साथ रहेंगी। सुशीला ने कहा, तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी बूढ़ी माँ किसी पर भी बोझ नहीं बनेगी। पेंशन तो आती है मेरे पास, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम चारों एक एक फ्लैट में रह लोगे तो ये नीचे का हिस्सा बचेगा, मैं वहीं रह लूंगी। चारों बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चले गए और आराम से रहने लगे। सुशीला पूरे दिन यही रहती और यही सोचती कि मेरी बहुओं ने मुझसे मेरे चारों बेटों को छीन लिया, चारों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता। लेकिन सभी दिन एक जैसे नहीं रहते, कल मेरी जगह पर मेरी बहुएं भी होंगी, तब देखती हूँ। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और कहानियों के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।